हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम CCLE के अंतर्गत 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन एक अभिनव पहल बाल सभा की गतिविधि अक्टूबर माह में द्वितीय शनिवार में की जाने वाली प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट को कैसे हम इसको अपने साथियों के साथ में, अपने शिक्षकों के साथ में साझा करेंगे, इसके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। द्वितीय शनिवार में गतिविधि पेपर पॉइंट प्राइंट प्रेजेंटेशन अंकन व्यवस्था सदनवार हाउसवार पूर्णांक जिसके लिए 20 अंक है। तो ऐसे हम पेपर स्लाइड प्रेजेंटेशन को कैसे प्रस्तुत करेंगे, आइए इस वीडियो में देखेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखेंगे बच्चों, हम विषय जिसका रहेगा हमारा पेपर स्लाइड प्रेजेंटेशन। पेपर स्लाइड प्रेजेंटेशन है क्या, इसके विषय में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे हम इसमें पेपर स्लाइड छात्रों को अपनी सीख दिखाने का एक मज़ेदार सहयोगात्मक तरीका है। छात्र एक समूह में 3-4 छात्रों की टीम में एक साथ काम करते हैं। छात्र पहले इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि शिक्षक को आवश्यकताओं के आधार पर उनकी पेपर स्लाइड कैसी तैयार करनी है और कैसे दिखाना है। ये पहले विचार विमर्श सभी छात्रों के समूह में 3-4 छात्रों के समूह में तैयार की जाती है। हम देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन हम ऐसे बोर्ड के माध्यम से भी ऐसे दिखा सकते हैं, आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी तरह आपको भी तैयार करना है। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हर कोई एक प्राकृतिक पब्लिक के स्पीकर के रूप में पैदा नहीं होता है, उसको समझना आवश्यक होता है। यही वजह है कि हम आज यहाँ के इस लेख में हम आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स देंगे। ये सभी बेहतरीन पब्लिक उपयोग के द्वारा की जाने वाली तकनीकें हैं और हाँ, यहाँ तक कि उन्हें यह पाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ा है। यदि आपको काम के लिए एक प्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है, चाहे वह एक नई प्रोजेक्ट हो या प्रोडक्ट हो, आइडिया के बारे में हो, एक पिच हो, एक त्रैमासिक मार्केटिंग रिपोर्ट हो या एक प्रोडक्ट लॉन्च या एक शिखर सम्मेलन में एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में हमने सब कवर किया है। तो इसमें हम देखेंगे एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखेंगे एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दें, इस बारे में 11 टिप्स यहाँ पर एक त्वरित नज़र डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी 11 हमें जो महत्वपूर्ण टिप्स है उसको ध्यान रखना है एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो आपको एक बोनस संसाधन मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो हम देखें इसमें नंबर एक में है जो 11 टिप्स हैं उसमें से नंबर एक पहला है, पूर्व अभ्यास करें कि आप क्या कहने की योजना बना रहे हैं। हमको क्या कहना है, प्रेजेंटेशन में क्या बताना है, इसके लिए हमें एक पूर्व अभ्यास या पूर्व तैयारी हमको करना आवश्यक है। नंबर दो, मानसिक भावनात्मक और तकनीकी रूप से तैयार हमें होना पड़ेगा जब हम प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। तीसरा है, मजबूत शुरुआत करें। आप जब शुरुआत करेंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है मजबूती के साथ में होना चाहिए। चौथा है, उस रूपरेखा का पालन करें जिसका आपने अभ्यास किया है। आपने जो अभ्यास किया, जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़े थे, पूर्व अभ्यास करें। कोई भी पावर पॉइंट दिखाने के लिए देने के लिए हमें पहले तैयारी करना होता है। अब जिसको हमने तैयारी किया उसको हमको कैसे दिखाना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद प्रॉप्स का प्रयोग करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद देखेंगे हम अगला बिंदु जो है छठवां, विश्वास के साथ समाप्त करें। जैसे हम आपने शुरुआत की थी उसी विश्वास के साथ प्रेजेंटेशन को आप समाप्त करेंगे। सातवां बिंदु है, अपने स्लाइड पर कहानी सुनाने की तकनीक का इस्तेमाल करें। यानी अपनी जो स्लाइड तैयार किया है, जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, उसमें बीच बीच में आप
एक कहानी की रूपरेखा तैयार करें जिसको प्रस्तुति के समय बीच बीच में दर्शाते रहें, दिखाते रहें, बताते रहें, ताकि जो देखने वाला है, समझने वाला है, वो बड़े आसानी से उसे ध्यानपूर्वक समझ सके। इसके बाद देखेंगे हम आठवां बिंदु, अपनी स्लाइड को छोटा रखें, यानी ज़्यादा स्लाइड को ज़्यादा बड़ा ना रखें, छोटा रखें, जो आकर्षक भी हो और समझ में भी अच्छे से आ सके। इसके बाद देखिए आप नौवा है, टेम्पलेट का उपयोग करें। टेम्पलेट का उपयोग इसलिए करना होगा ताकि आप उसमें एक आकर्षकता प्रेजेंटेशन में दिखा सकें। दसवा है, अपनी गलतियों से सबक लें। अगर आपके द्वारा कोई गलती हो रही है प्रेजेंटेशन दिखाने में, देने में, तो आपको उन गलतियों को सुधारना होगा ताकि आने वाले समय में अगली जो प्रेजेंटेशन आप दे सकें तो उसमें आपको सुधार मिल सकता है, आपको एक सबक मिल सकता है। इसके बाद देखें भविष्य के लिए खुद को प्रेरित रखें, यानी भविष्य में जब भी आप इस तरह से प्रेजेंटेशन दें तो आपको हर समय एक्टिव रखना होगा, हर समय तैयार रहना होगा कि आप भविष्य में इससे अच्छा कर सकें। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, प्रेजेंटेशन कैसे दें, प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन कौन से मुख्य बातें होगी, इन सब के विषय में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।